नमस्ते आप सब श्रोताओं को, आपका स्वागत है आपके ही YouTube चैनल पर सीक द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और जो लोग इसको Instagram पर सुन रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, YouTube के लिंक पर जा सकते हैं और वहां पर जाकर के आप योगासन, डाइट प्लान, रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग से लेकर के सोने की कला, सब कुछ साथ में ये ब्लेसिंग्स का भी प्लेलिस्ट दी हुई है, जाके चेक करें वहाँ पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप औरों के साथ भी शेयर करें। तो आज के वरदान में आज देखें 214वें दिन के वरदान में परमपिता परमात्मा कहते क्या हैं। सो बाबा कहते हैं आज लाइट हाउस की स्थिति द्वारा, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भवा। जहाँ लाइट है वहाँ पे अंधकार नहीं, अंधकार मतलब पाप और लाइट मतलब पुण्य। तो विस्तार में चलें, बाबा कहते क्या हैं। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। देखा जाए पाप के कर्म अंधकार में किए जाते हैं, चोरी चकरी भी अंधकार में की जाती है, काम विकार में भी जाते हैं तो भी अंधकार में किया जाता है, छुप छुप के की जाती हैं चीज़ें, तो वो उस अंधकार की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पर लाइट होती है तो वहाँ पर तो कोई चोर नहीं होगा, कोई काम विकार भी नहीं होगा वहाँ पर। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। लाइट हाउस अब क्या हो गया, मैं आत्मा प्रकाश हूँ, सारी दुनिया को प्रकाश देने वाली आत्मा हूँ मैं। तो अगर मैं प्रकाशवान आत्मा हूँ तो मुझसे पाप कर्म हो नहीं सकता और परमात्मा से मैं जुड़ी हुई आत्मा हूँ। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे लेकिन मेरा लिंक पावर हाउस के साथ में होना पड़ेगा ताकि ये जो आत्मा रूपी बल्ब है वो सदा प्रकाश में रहे। तो बाबा कहते हैं पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। तो पुण्य आत्मा बनने तक हमें परमात्मा से जुड़ा रहना है, अंतिम समय तक परमात्मा की याद में मेडिटेशन में रहना ताकि ये बल्ब कहीं ऑफ ना हो जाए, फिर उससे विकर्म होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। आप सोचिएगा जहाँ आप पाप कर रहे होंगे, जहाँ पर आपके कर्मेंद्रियाँ किसी से किसी चीज़ से खुशी सुख स्वाद उठा रही होंगी, वहाँ पे बाबा याद नहीं आएगा, परमात्मा याद नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा 5 कर्मेंद्रियों के सुख में विलीन है। तो परमात्मा कहते हैं वहाँ पे पाप कर्म होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पाप होता है वहाँ बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ। अपने आप को क्या समझना, मैं पुण्य आत्मा हूँ। हाँ, हमने बहुत पाप किए हुए हैं पिछले जन्मों में, पिछले कुछ सालों में, कल ही किया हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने आप को उठाना बहुत ज़रूरी है। मैं पुण्य आत्मा हूँ, मुझे चुनने वाला कौन है, परमपिता परमात्मा। और मैं बच्चा किसका हूँ ये तो मानते हर कोई है ना, चाहे ना भी जाने लेकिन मानते तो है ना कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो परमात्मा वो पाप कर्म नहीं कर सकते तो हम भी क्यों करें। बाबा कहते हैं तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। कोई मुझसे पाप कराने की कोशिश करे, मुझसे कुछ गलत कहलवाने की कोशिश करे, करवाने की सिर्फ नहीं कहलवाने की, सोचने की कोशिश करवाए किसी और के बारे में बुरा, वो भी मेरे से नहीं होता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो, क्योंकि पाप का बोझ जब बढ़ता है तो आत्मा का मूड ऑफ, मूड स्विंग्स जिसको हम कहते हैं, वो तभी होते हैं जब हमारे ऊपर पापों का बोझ बढ़ता है। पापों का बोझ बढ़ता है अपवित्र सोचने से, किसी के बारे में, अपने बारे में गंदा सोचने से, अहंकार में आने को भी हम गंदा सोच कहते हैं, काम वासना के बारे में सोचने भी गंदा सोचना कहते हैं। परमात्मा कहते हैं वो सब कुछ आने से पाप कर्म बढ़ते हैं और दुख स्वयं को होता है, स्वयं की स्थिति खराब होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दें, तब जाकर के क्या होगा, हमारे मन में प्रकाश ज्योति आएगी। कहा भी जाता है ना, हे प्रभु दिशा दिखा दे इस नैनहीन को। तो ये वाला जो नैनहीन है, ये आँखें जो बंद हुई हैं सोल कॉन्शियस की, आत्माभिमान की, वो दिशा दिखा दे। तो परमात्मा कहते हैं मुझसे जुड़ो, मेरी याद में रहो, मैं तुम्हें प्रकाश दूंगा तो तुम ये आत्मा तुम्हारी वो प्रकाशवान हो जाएगी। हम शरीर को तो बहुत चमकाते हैं पाउडर लगा करके, क्रीम लगा करके, लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं इसका मेकअप करने के लिए आया हूँ, इसको चमकाने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये आत्मा जो है, जो यहाँ बैठी हुई है अंदर, गुप्त दिखती नहीं आंखों से, वो सुंदर है, उसको मैं फिर से सुंदर बनाने आया हूँ। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम अपने मन की ज्योति को जगाएं। मन की ज्योति मतलब ज्ञान लें और परमात्मा से मेडिटेशन में जुड़े रहें। तो आज के इस ईश्वरीय वरदान में अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, अगर आपको कुछ लगता है कि और कुछ चीज़ें आप सुनना चाहते हैं
ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसके नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और औरों के साथ भी शेयर करिए अगर आपको ये अच्छा लगे। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।